राजस्थान में चुनाव नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हैं। विधायक मुरारीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। मीणा ने मुख्यमंत्री चुने जाने के सवाल पर कहा कि बीजेपी अगर किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाती है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता हैं। साथ ही विधायक मुरारीलाल मीणा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तय नहीं होना बीजेपी के आपसी झगड़े का परिणाम है और इसका परिणाम पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। देखो, ये उनकी आपसी झगड़े का परिणाम है कि पूरे प्रदेश को उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। अभी कोई धड़ीदौर है नहीं, उनको स्पष्ट बहुमत में लगाया, उनको तुरंत मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हमको पता है कानून व्यवस्था क्या हालत होगी। हमारा दौसा में एक नाबालिग बच्ची के साथ में क्या हरकत हुई, गोगा मेडी के साथ में क्या हरकत हुई, इनको तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और यहाँ की व्यवस्था जो प्रदेश की खराब हो गई उसको ठीक करना चाहिए। देखो, हमको इस बात से कोई मतलब नहीं, कोई बनो मुख्यमंत्री तुरंत बनाना चाहिए, उनको डिले नहीं करना चाहिए। आपसी झगड़े में पूरे प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है। किरोड़ीलाल मीणा के बारे में कितना क्या ख्याल है? किरोड़ीलाल जी बहुत माने हुए नेता है, हमारे पूरे राष्ट्र के गद्दार नेता है। मैं समझता हूँ कि वो बनते हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।